अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टडी करेंगे टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री सोलूशन बाई वोमेट्रिक मैथड अब यहाँ पर जो हमारे पास बेस है सोडियम कार्बोनेट है ये एक वीक बेस है इसकी मोलैरिटी आपने मालूम करनी है वॉल्यूमेट्रिक मैथड के ज़रिए ठीक है इसमें एन ए टू सी ओ थ्री के अगेंस्ट जो हम लोग एसिड यूज़ करेंगे वो एच सी एल ही यूज़ करेंगे ये आपके पास टाइप है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन है है लेकिन एसिड बेस टाइट्रेशन ही आगे इसका ऑपरेटर्स वही आपके पास लास्ट टाइम वाला ऑपरेटर सारा आ रहा है ब्यूरेट पेपर कॉनिकल फ्लास्क फनल बीकर स्टैंड उसके बाद स्टैंडर्ड सल्यूशन जीरो पॉइंट वन मोलर एच सी एल इंडिकेटर यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं मिथाइल ऑरेंज और इसका भी एंड पॉइंट है आपके पास लाइट पिंक वाइवा के लिए आपने एक क्वेश्चन याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस के में जो इंडिकेटर है वो फिनोफेलिन है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जो आपके पास इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज दोनों का एंड पॉइंट क्या है लाइट पिंक है अब हम देखते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में एन ए टू सी ओ थ्री है दो एन ए को बैलेंस करने हैं तो हमारे पास यहाँ पे एच सी एल भी कितना चाहिए टू मोल्स चाहिए टू एन ए सी एल बनेगा साथ में एच टू और एक ऑक्सीजन एच टू वो बना देंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मोल रेशो क्या है बेस आपके पास है वन और एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज़ हो रहे हैं टू हो रहे हैं यानी वन रेशो टू है सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी टाइट्रेशन फ़्लास्क को प्रिपेयर करना है कैसे प्रिपेयर करेंगे टाइट्रेशन फ्लास्क लेंगे पिपिट की मदद से आपने एन ए टू सी ओ थ्री का सोल्यूशन इसमें टेन सेंटीमीटर क्यूब लेना है नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि आपने ये जो टाइट्रेशन फ्लास्क है इसके अंदर ऐड करना है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर दो से तीन ड्रॉप हम लोग ऐड करेंगे जैसे ही मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करेंगे सोल्यूशन जो है पहले कलरलेस होगा लेकिन इसकी एडिशन के बाद सोल्यूशन जो है वो येलो कलर का आपको नजर आएगा कॉनिकल फ्लास्क में फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट काम ये करना है कि अब आपने करनी है इसकी टाइट्रेशन टाइट्रेशन करने के लिए ब्यूरिट के अंदर फिल करेंगे एच स्ट्रॉन्ग एच सी एल एड करेंगे ठीक है जीरो पॉइंट वन मोलैरिटी का एच सी एल सल्यूशन आपने इसके अंदर फिल किया होगा फ़नल uh, की मदद से हम लोग इसमें फ़िल करते हैं अब आप इसकी नॉब ओपन करेंगे इसकी टैब ओपन करेंगे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आके फॉल करेगा आपने तब तक एच सी एल का सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड करना है कि हमारे पास ये जो येलो कलर है इसमें लाइट पिंक कलर आना स्टार्ट हो जाए ठीक है ये हम लोग लैब में भी परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कलर चेंज होता है अब करते हैं इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन में हम लोग टेबल बनाएंगे टेबल में यही प्रैक्टिकल आपने तीन दफ़ा परफॉर्म करना है रीडिंग्स लेंगे अनिशा रीडिंग क्या थी जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तब वैल्यू नोट करते हैं और जब रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो गया एंड पॉइंट आ गया वो आपके पास फाइनल रीडिंग होती है ठीक है टेन टेन का डिफरेंस आ रहा है इसका वॉल्यूम आप यूज़ करेंगे वो भी टेन आएगा वॉल्यूम ऑफ एच सी एल ये टेन यूज़ हो रहा है वॉल्यूम ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री टेकन जो हमने फ़्लास्क में लिया है फ्लास्क में हमेशा बेस को लें वो टेन ली थी मोलियरिटी आपको पता थी जीरो पॉइंट वन जिसकी मोलियरिटी पता हो वो स्टैंडर्ड है मोलियरिटी ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री ये कैलकुलेट करना चाहते हैं इसको एम टू करेंगे नंबर ऑफ मोल्स एच सी एल के कितने थे टू थे और बेस का एक मोल यूज़ हो रहा था यहाँ पे सारी आप वैल्यूज़ लगाएं एसिड वाली और बेस वाली वैल्यूज़ लगाएं आंसर एंड में जो मोलैरिटी का निकलेगा वो कितना है जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव यानी जो आपके पास एन ए टू सी ओ थ्री सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितनी है जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव बेस्ट टाइट्रिशंस के इंडिकेटर्स के नाम पूछे जाते हैं वो आपने याद रखना है कि एसिड बेस इंडिकेटर के दो ही आपके पास इंडिकेटर हैं फ़िनपथेलिन मिथाइल ऑरेंज और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास वाइवा के लिए क्वेश्चन है फिनोक्थिलीन का कलर एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या है? में होता है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है फिनोक्थेलन और बेसिक मीडियम में क्या होता है पिंक कलर सोल्यूशन इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज इसका एसिडिक सोल्यूशन में होता है ऑरेंज कलर और येलो सोल्यूशन होता है बेस के केस में